ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂਰ ਕਿਚਨ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਟਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਹਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਹਾ ਦੇ ਕਟਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣੇ पोहा का कटलेट बनाने के लिए सब तो पहला असी एक कप जिहड़ा असी पोहा लिया वा तो पोहा नूं असी जिहड़ा है एक बॉल दे विच पा लेना तो हुण असी पानी पा के इस नूं चंगी तरह दो तीन बारी पहला वॉश कर लेना क्योंकि पोहे दे विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हुंदी है देखो तुसीं पानी पाउण दे नाल देखो पानी जिहड़ा कितना मैला हो चुका वा इसनों असी जिहड़ा चंगी तरह दो तीन बारी वॉश कर लेना हुण देखो असी पोहे नूं जिहड़ा चार बारी धो लिया वा पोहे नूं पंजाबी विच जिहड़ा वा छिड़वड़े भी कहिंदे आ ते हुण असी इहनूं जिहड़ा वा चंगी तरह धो गया हुण इहदे विच जिहड़ा असी पानी ऐड करांगे पानी ऐड करके इसनों असी 10 मिनट जिहड़ा असी पानी विच डिप करके रखांगे ताकि जिहड़ा साडा पोहा वा चंगी तरह जिहड़ा फुल जावे चटनी दे लई असी जिहड़ी 50 ग्राम इमली लई सी ते इमली नूं असी गर्म पानी दे विच जिहड़ा डिप करके रख दित्ता सी 15 तों 20 मिनट जिहड़ा असी रख्या वा ते देखो साडी इमली जिहड़ी है बिल्कुल इहदा पल्प जिहड़ा वा बण गया वा हुण असी इस नूं जिहड़ा वा छन्नी दे विच पा के जिहड़ा स्टे कर लवांगे इक स्ट्रेनर दे विच पा लेणा छन्नी दे विच इस तरां पा के असी जिहड़े इहदी जिहड़ा पल्प आ बिल्कुल अलग कढ लेणा वा देखो इमली का पलक जिहड़ा असी सारा अलग कर लिया वा तो हुण जिहड़े इमली दीआं गिटकां सी हुण असी इसनूं जिहड़ा वा अलग कर लिया वा सब तो पहलां असी एक बॉयल किया आलू जिहड़ा वो ऐड कर देवांगे एक चम्मच जिहड़ा मैं बरीक कटिया होया प्याज जिहड़ा च ऐड कर रही हाँ बिल्कुल थोड़ी जी मैं हरी मिर्च पा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी तुसीं जेकर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहुंदे तो तुसीं ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकदे इहदे विच बिल्कुल थोड़ा जिहा मैं नमक पा रही हाँ काला नमक पा रही हाँ इहदे नाल जिहड़ी साडी चटनी का टेस्ट बहुत वधिया आएगा तो चम्मच का चौथा हिस्सा मैं जीरा पाउडर इहदे च ऐड कीता वा तो बिल्कुल थोड़ा जिहा वाइट नमक जिहड़ा मैं ऐड कर रही हाँ तो थोड़ा जिहा मैं इहदे च हाफ चम्मच जिहड़ा चीनी ऐड कर रही हाँ तो बिल्कुल थोड़ा जिहा असीं इहदे च धनिया बरीक कट्टिया होया ऐड कर देवांगे तो हुण असीं सारी चीज़ां मिक्स कर लेना चंगी तरह इहदे नाल चीनी पाउण दे नाल जिहड़ी साडी चटनी आ खट मिठी बन के तैयार हो गई ते नाले खट्टे मिठे जिहड़ा बैलेंस हो जाएगा ते हुण असीं चंगी तरह चटनी नूं मिक्स कर लेना मसाले जिहड़े विच पाए सी देखो साडे पोहे नूं 10 मिनट हो चुके आ ते पोहा जिहड़ा साडा चंगी तरह जिहड़ा फुल चुका वा ते हुण जिहदे च एक्सट्रा पानी जिहड़ा विच देखो पानी है वा जिहड़ा एक्सट्रा पानी आ असीं इहदे चों कढ लैणा वा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਟਲੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਪੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੋਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
एक बरीक कटी हरी मिर्च ले लवेंगे असं वो भी पावे। मिर्च तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा घट या ज़्यादा वध कर सकते जी। तो एक मीडियम साइज का प्याज इसमें बरीक असी कट लिया असं वो भी ऐड कर देवे। कटले के जो प्याज का टेस्ट बहुत वधिया होंदा वा। तो एक टुकड़ा मैं जो अदरक का लिया जिसमें मैं ग्रेट कर लिया भी ऐड कर देंगे। तो ये मैं नाल ही हूँ 3 चम्मच जी मैं गाजर ली जिसनों मैं कद्दूकस कर लिया। तो यदा मैं पानी जरा निचोड़ लिया चंकी तरह क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी हों वा इसलिए मैं ये इन जो चंकी तरह निचोड़ लिया वा। असं ये ऐड कर देवे। बस ये कुछ मसाले ऐड करा। सब तो पहला असं 1 चम्मच जो धनिया पाउडर ऐड करा। 1/2 चम्मच जो काली मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच मैं भुनिया है जीरा जिसनों मैं दरदरा पीस लिया। 1/2 चम्मच जो गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। तो चम्मच का 4th हिस्सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। तो 1/2 चम्मच मैं नमक का ऐड करी। नमक तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। 1/2 चम्मच मैं जो अमचूर पाउडर ऐड करी तुम इस जगह पर नींबू का रस भी ले सकते जी। तो हूँ असं बरीक कटिया हुआ धनिया जो काफ़ी लै रहे हैं। धनिया जो पाने जरा देखने भी वधिया लगता तो बहुत वधिया टेस्ट आता धनिया का। तो हूँ असं बाइंडिंग करने वास्ते 1/2 कप मैं बेसन लिया। बेसन मैं चंगी तरह छान लिया वा। हम इस ऐड कर देवे। जेकर असी ज़्यादा पावे तो सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा। इसलिए जो असं 1/2 कप बेसन पा रहे हैं। हम चंगी तरह असं इसमें सारे मिक्सचर जरा मिक्स कर लेना वा। जो गाजर में भी मॉइस्चर हों वा तो प्याजा में भी मॉइस्चर हों वा इसलिए असं इस तरह ही जरा 2 तैयार करा बना के। देखो साढ़ा 2 बन के बिल्कुल तैयार है। तो बेसन असी बाइंडिंग वास्ते यूज किया वा। तो बेसन का इस फ्लेवर भी बहुत वधिया आता। तो जो सा स्नैक्स है नाश्ता बहुत वधिया बन के तैयार हों वा। तो हूँ असी लास्ट सब तो ये थोड़ा चिली फ्लेक ऐड करा। चिली फ्लेक के नाल जो स्नैक्स नाश्ता वा बहुत वधिया बन के तैयार हों। तो देखने भी बहुत सोहना लगता वा। हूँ असी इसमें चंगी तरह मिक्स कर लेना। देखो हूँ असी सा डो बन के तैयार है। तो हूँ असी हत्थों ग्रीस कर लाँगे किसी भी ऑयल ज घ्यो हत्थों चंगी तरह ग्रीस कर लेना। तो हूँ असी थोड़ा थोड़ा पार्ट लैके इसमें जिस मर्जी शेप के टिक्की शेप बना लो, फिंगरस की शेप बना लो या बॉल्स की शेप बना लो। इस तरह असी सारे टिक्की शेप बना के असी नाश्ता तैयार कर लेना। देखो असी सारिया जो टिक्कियां बना के जोड़े तैयार कर लिया। तो हम देखो हम सा ऑयल चंगी तरह गर्म हो चुका वा। तो हूँ असी गैस की फ्लेम जी मीडियम कर देनी है। तो हूँ असी मीडियम फ्लेम के उपर ही जोड़ा कटलेट से उन्होंने पा लवेंगे। बच्चे मैं इन्हों डीप फ्राई कर रही हूँ। तुम चाहो तो इन्होंने शैलो फ्राई भी कर सकते जी। देखो 2 से 3 मिनट जो सू लगे इन्हों फ्राई करते हैं कटलेट्स में। तो देखो साढ़े कटलेट्स बन के बिल्कुल तैयार है। तो हूँ असं इन्हों इन्ना ही फ्राई करा। हूँ असं इन्हों जो प्लेट में बाहर कढ़ लवेंगे। देखो असं सारे कटलेट जो बना के तैयार कर ले ने। देखो असं तीन शेप के असी कटलेट बनाए से। तो 3 शेपां असं जो कटलेट फ्राई करके बना के तैयार कर ले ने। बहुत ही टेस्टी जो कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। बाहरों देखो किन्ने क्रिस्पी है तो अंदरों देखो बिल्कुल सॉफ्ट जोड़े कटलेट्स बन के बिल्कुल तैयार हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी जोड़े
ये रेसिपी है। देखो साढ़े सारे कटलेट बन के तैयार ने। असी जिहड़े नाल स्पैशल बच्चों भी बनाए थे असी वो भी नाल सर्व कर रहे हैं। तुसी जिस तरह चाहो उस तरीके दे नाल तुसी बना के कटलेट तैयार कर सकते जी। बहुत ही टेस्टी जिहड़े कटलेट बन के तैयार होए ने। तो तुसी इस रेसिपी में जरूर ट्राई करना। जेकर रेसिपी पसंद आई तो वो तो लाइक शेयर जरूर करना। जेकर तुसी चैनल पर नवे तो चैनल सबसक्राइब जरूर करना ते नाल लगती बैल आइकन जरूर प्रेस करना। तो फिर मिलांगे इस तरह की नवी चीज डिशेज़ की रेसिपी के नाल। तब तक भी सारे सत श्री अकाल।